आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत दोईवाला ब्लॉक के मारखट ग्राम पंचायत के धर्मचुक में 3 गांव के 10,000 ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10,32,00,000 रुपए की लागत से बन रही पेयजल योजना का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। पेयजल योजना का उद्घाटन करते हुए विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हर घर जल हर घर नल योजना आज मूर्त रूप लेकर धरातल पर है। कार्यक्रम में पेयजल विकास निगम के अधिकारियों के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिनको आज शिलान्यास होगा। अगर इनसे कुल मिला लें और जो पहले कुछ योजनाएं जो हुई हैं, तो 27,065 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। जो 6,730 परिवार हमारे शेष बच रहे हैं, अगले 7 महीने में 100% जो आबादी है डोईवाला विधानसभा की वो आच्छादित हो जाएगी। यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल, हर नल को पानी, ये हमारी आने वाले 7 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, जो आने वाले 25-30 सालों तक पर्याप्त पानी यहाँ के लोगों को पीने को मिलेगा। मैं सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मारखम ग्रांड को इतनी बड़ी पेयजल योजना दी है, जिससे ग्रामीणों को बहुत फायदा मिलेगा। काफ़ी समय पहले से ही ग्रामीणों की यही समस्या थी कि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, और ये 10,32,00,000 रुपए की योजना है और इससे ग्रामीणों को बहुत फायदा मिलेगा। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि पेयजल योजना का मूल उद्देश्य है ग्रामीणों के लिए सिर्फ 1 रुपए में हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। डोईवाला से आशीष यादव, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।